इस समाचार के प्रायोजक है राम शांति विद्या मंदिर, जो दे आपके बच्चों को सही दिशा। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। बड़चिचोली की डोल पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में है। पुलिया की नींव हिलने के बाद से इस रास्ते पर से आवागमन बंद कर दिया गया है। इस पुलिया के जीर्णोद्वार को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। बड़चिचोली की उप सरपंच सुमित्रा मौजे, नारी शक्ति सर्व सेवा समिति की अध्यक्ष बेगम शाह ने, ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शारदा धुमाल, SC प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रतिभा मेश्राम की उपस्थिति में SDM के नाम ज्ञापन सौंपकर इस पुलिया का निर्माण शीघ्र कराने की मांग की है। बेगम शाह ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्रामीणों के लिए मुख्यालय आने जाने के लिए यही रास्ता उपयुक्त है। हाल फिलहाल के लिए बनाया गया आंतरिक मार्ग जर्जर हो चुका है और कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, वो जो डोल पुलिया है ना बड़चिचोली का, वो बहुत दिन से अभी 5 साल हो गए टूट गया है। वो समझ लो ना, उसमें पहले से भी टूटा टूटा ही था, लेकिन 2 साल से पूरा टूटा ही गया हो चुका है, बंद हो गया रास्ता। प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा है, ऐसा शीघ्र उसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले, क्योंकि वो हाईवे पे पड़ता है और आम लोगों का भी आना जाना वहाँ से बहुत ज्यादा चालू रहता है, दुर्घटनाएं बहुत होती है। अगर वे जल्दी से जल्दी प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो हम पूरी महिलाएं इसमें उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। महिलाओं ने शीघ्र पुलिया निर्माण करने की मांग की है, वरना भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। कैरिटॉस इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा समुदाय आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन दिव्यांगों के लिए जनपद पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में विकास खंड के दिव्यांगों ने उपस्थित होकर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की। दिव्यांगों ने बैठक में सवाल उठाया कि यहाँ से वे जो जानकारी लेकर जाते हैं, बाद में उन्हें पंचायत में कहा जाता है कि हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी, जानकारी हो जाती है किसी इसकी, अगर अपन ये जानकारी लेकर अगर पंचायत में जाए तो पंचायत के सचिव वो तो कहते हैं कि हमको ये जानकारी नहीं है, जबकि हम लोगों को वो जानकारी मिल जाती है कि ये करने से ऐसा होता है, तो अपन उनको पूछने जाओ तो बोलते हैं मालूम है कि उसे क्या करना है। इस पर बैठक में उपस्थित CEO ललित चौधरी ने इसकी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के समन्वयक अनिल कड़वे ने अपनी विभागीय जानकारी से दिव्यांगों को अवगत कराया। इसी तरह मनरेगा प्रबंधक लोकेश बेंड्रे ने मनरेगा की, वहीं S ध्रुवे ने आजीविका मिशन, तो S खौसे ने शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं के बारे में दिव्यांगों को जानकारियां दी।